यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया वो आप देख सकते हो अपनी R15 पर। अगर आप लोगों के पास R15 V4 है, V3 है, वर्जन 1 है या फिर M है या फिर कोई भी एडिशन है, तो आप कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स करा सकते हो। इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ब्लैक में होता है, एक होता है व्हाइट में। यह ग्राफिक का, अब ग्राफिक में कुछ अलग डिफरेंट लुक आ जाता है, लोगो वगैरह यामा के, और ये कुछ इस तरीके से किए जो कल से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये यामा आ गया, इसके अलावा यहाँ पर R15 लिख दिया है। इस इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा, का ऑप्शन है एंड येल्लो का है। अब ये ब्लू एंड येल्लो इसमें भी है और सेम इसमें, तो हमारा कच्चा धारी बाइक बाहर ले आया। ऑप्शन मिलेगा आपको, ये देखो, तो ये एडजस्ट करना है, बाकी देख लो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बन चुकी है। यहाँ पर वाइट ड्यूटी यहाँ पर तैयार हुई है जिस, और इसके अलावा हम बैक साइड में आप देख सकते हो इसमें कार्बन वाले, KTM वाले इंडिकेटर, R9 का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, प्लस जो पीछे राइडर बैठेंगे या बैठेंगे उनको यहाँ पकड़ने के भी काम आता है। एंड यहाँ पर इंडोनेशियन वाइजर, प्लस के ऊपर PPI, और यहाँ पर जो की का कवर है ये भी देख सकते हो इसका लुक। बाकी कलर कोई भी हो यार, आप लोगों को पता ही है काम कराने में, कोई टेंशन है ही नहीं अपनी शॉप पर। ये देखो जी, लो जी, ठीक है सिनेरियो में यहाँ पर 3 R15 है। ये मैंने ये वाली बाइक भी इसलिए साफ नहीं करवाई ताकि आप लोगों को पता चल सके शार्प पिन मडगार्ड क्यों जरूरी होता है। जो ये वाली रेड वाली, इसमें पहले PPF उतारी है, फिर उसके बाद इसमें साफ करने के बाद दोबारा से PPF होगी। प्रॉपर क्रैश गार्ड अंडर वैली से लेके आपका यहाँ तक का पूरा पार्ट सेव। देखो अब ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज करेगा, एक बार आपने इसमें टच करना है, दैट्स इट। ये छोटा सा धातु आपको टच करना है, दैट्स इट। एक वीडियो में एक R15 नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक समय में काफ़ी सारी R15 आती है अपने पास आना है। डुप्लीकेट्स काफ़ी सारी शॉप है, तो रियल शॉप पे जब आपको आना चाहते हो, जिस पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा, वहाँ मैं खुद मिलता हूँ। एक R15 यहाँ पर है, अभी इसमें PPF वगैरह काम चल रहा है और भी काफ़ी सारे काम। रेड ब्यूटी यहाँ पर है कि एक्सटेंडर लगा रखा है, साइड स्टैंड एक्सटेंडर। अगर R15 है और 10R वाले मिरर नहीं है तो मज़ा नहीं आता है, कहते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो मिरर हैं ये ZX 10R पर आते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। रेडिएटर ग्रिल, रेडिएटर की सेफ्टी के लिए ये अगर पेड़े हैं, नहीं आ रही हो तो फोर्क स्लाइडर है। फोर्क प्रोटेक्शन इसमें लग चुकी है ऑलरेडी। लीवर गार्ड, चीज़ें इतनी है कि भाई मज़ा आ जाएगा। नॉर्मल लीवर नहीं है, काफ़ी चमत्कारी है। इसमें आप देखो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। कभी बाइक गिरता तो ये, जिसे आसान भाषा में कहते हैं मिनी ड्राइव, यहाँ लगाएंगे छुपा के ताकि किसी को पता ना चले। ये बरसात हो रही हो, टेंशन ही नहीं। ब्राइटनेस इसकी ऐसी 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाती है। मास्टर सिलेंडर का है, बॉडी इंडिकेटर, चीज़ें बहुत सारी ये वाली निकाल रखी है, तो चलो दिखाते हैं कौन सी लगाई है। इंडिकेटर पर वाह कमाल है। अब एक और आ चुकी है मैट ब्लैक में, इसमें PPF वगैरह काम चल रहा है। तो वैसे एक ये B3 है यहाँ पर अपने पास आ रखी है, और इसमें क्या है, सबसे पहले ग्राफिक का काम किया जाएगा। जैसे कि आप देखोगे तो उसका जो बेस है वो हमने ब्लैक लिया है, ग्लॉस में आप मैट में ले सकते हो, एक किसी और कलर में ले सकते हो, डजंट मैटर, वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। फिलहाल जो इसमें डिजाइनिंग होने वाली है वो आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का आगा। अभी ये वाली साइड भी अनकम्प्लीट है, 90% कह सकते हो डन है। जैसे कि इसके टैंक पर देख सकते हो आप, ये तो ये दो कलर के कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है निकल कर, और यहाँ से देखोगे तो ये वाला लुक है। अब V4 और M वालों के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, और आई थिंक और ज़्यादा बेटर लगने वाला है क्योंकि वो पूरा कवर होता है। तो इसमें भी स्टिकरिंग का वर्क भी होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी इसमें बेस डालने के बाद कुछ डिज़ाइनिंग की गई है जो सारी हैंडमेड है, और इस साइड का भी कंप्लीट करके आपको मैं दिखा दूंगा। साइड का जो डिज़ाइन निकल कर आया वो कुछ इस तरीके से, इसमें रेड का जो है टचअप ज़्यादा है, एंड ब्लैक, ब्लू, स्काई ब्लू एंड डार्क ब्लू, तो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन हो गए। ये वाला आपने देख ही लिया था। अब इसमें जो है रेड का टचअप कम लिया गया, मैं आपको फ्रंट से और दिखा देता हूँ। फ्रंट में कुछ यार लुक निकल कर आया है। अभी ये भी अनकम्प्लीट है, अभी यहाँ पर भी कुछ डिजाइनिंग होनी है, फिर यहाँ पर स्टिकरिंग का वर्क होगा लास्ट में। अब यहाँ पर डबल वोबलाइजर लग चुका है, ये डबल वोबलाइजर है, बाकी इसमें इंडोनेशियन वाइजर भी अपने पास मिल जाएगा अगर आपको करवाना है तो। और ये जैसे लेयर उतारोगे तो कुछ इस तरीके की फिनिशिंग आएगी, तो बिफोर एंड आफ्टर कंपेरिजन कर सकते हो आप। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ बैक साइड से तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों आप। तो अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो फाइनल पे ही दिखाऊंगा, तभी फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आप लोग देखना। अभी कुछ उसमें एक्सेसरीज भी एडाउन हो रही हैं, जैसे कि फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह हो गए, हैंड ग्रिप्स हो गई, लीवर वगैरह होगा, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया वो आप देख सकते हो अपनी R15 पर। अगर आप लोगों के पास R15 V4 है, V3 है, वर्जन 1 है या फिर M है या फिर कोई भी एडिशन है, तो आप कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स करा सकते हो। इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ब्लैक में होता है, एक होता है व्हाइट में। व्हाइट में आपने काफ़ी सारा देखा होगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, कम कराते हैं, और ये काफ़ी अलग है। अब इसको BMW नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये एक तरीके से टचअप कह सकते हो, हल्का सा टच है, लेकिन ये अपने आप में एक अलग ग्राफिक है। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें ब्लू हो गया, स्काई ब्लू हो गया एंड डार्क में आ गया। यहाँ पर ब्लैक का जो है पूरा थीम आ चुका है। जो बेस है जो हमने इसमें लिया ये स्मोक में है, लेकिन आपको ये ज़्यादातर ब्लैक दिख रहा होगा, क्योंकि ये एक्चुअली स्मोक में जब आप कराते हो तो ये ग्लोस बन जाता है। अगर आपने मैट में कराना है तो आपकी चॉइस है। फिलहाल ये ग्लोस में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखोगे बैक साइड में सीट हैंडल्स पे तो कुछ यहाँ पर और डिज़ाइनिंग की गई। यहाँ पर अगर आपने कुछ लिखवाना है तो लिखवा सकते हो। फिलहाल अगर यहाँ से लुक देखोगे
तो ये काउल जो है ये डिक्शनरी लगा रखा है मैंने वैसे, अगर आप इसको हटाओगे तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। फिलहाल ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये है इसका कुछ लुक। और इसके यहाँ पर भी देखोगे सीट हैंडल्स के जस्ट नीचे, तो यहाँ पर भी कुछ डिजाइनिंग है, तो ये भी काफ़ी अच्छा। और ये ब्लैक कलर की बाइक थी तो इसमें चलान का भी इशू नहीं होगा, क्योंकि ये जो ब्लैक का ही इसमें सारा ग्राफिक का काम किया गया। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपने RR लिखवाना लिखवा सकते हो, फिलहाल इसमें R15 ही लिखवाया है, ठीक है जी। और ये R15 का जो आप देख सकते हो, जैसे यामा का जो लोगो है तो वो यहाँ पर दे दिया। आपने कुछ और भी डिजाइनिंग करानी तो करा सकते हो। तो ये साइड से इसका लुक है एंड ये आ गया इसका फ्रंट से। और ये फ्रंट से अच्छा से लग रहा है क्योंकि इसमें बगल वाइजर वगैरह लगा हुआ है, टैनर वाले मिरर लगे हुए हैं। और इस मिरर के अंदर आपको जो है इंडिकेटर भी मिल जाते हैं LED वाले, और ये फोल्डिंग वाले होते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, इसका एक बल्कि लुक आता है। अगर आप ये वाइजर लगवा रहे हो और ये मिरर नहीं लगवा रहे हो तो काफ़ी वो लुक नहीं आएगा जो आना चाहिए। और इसमें विजिबिलिटी रहती है, जैसे कार में होता है ना एडजस्टेबल, तो वो इस तरीके का सिस्टम रहता है। इसके अलावा इसमें हैंड ग्रिप्स लगी हुई हैं एंड यहाँ पर लीवर लगे हुए CNC वाले, और यहाँ पर लगा रखे हैं फ्रेम स्लाइडर्स। अब ये फ्रेम स्लाइडर्स क्या काम करते हैं, जैसे मान लो कभी बाइक गिरता भी है तो आपके जो ये फेयरिंग वगैरह सेफ रहता है और काफ़ी स्पोर्टी लुक आता है। और इसका फाइनली उतार देता हूँ मैं, ये आ गया इसका प्रॉपर लुक कुछ इस तरीके से देख सकते हो। फ्रेम स्लाइडर इस साइड में भी लगे हुए हैं, सीट कॉल मैंने आपको दिखाई दिया लगा के, तो ये आ गया इसका एक कंप्लीट लुक। तो गाइस अब टाइम ऐसा आ चुका है कि मैं आपको एक वीडियो में एक R15 नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक समय में काफ़ी सारी R15 आती हैं अपने पास। तो मैं क्या करता हूँ, आपको कम से कम भी 4-5 R15 दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को भी वीडियो पे क्लिक करने का फ़ायदा हो, आपको लगे कि भाई हाँ मैं जो चीज़ें करानी है वो इसमें हैं या उससे ज़्यादा ही हैं। तो आज का जो सिनेरियो है वो भी R15 पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD बाइक। जब भी अपनी शॉप पर आना है, डुप्लीकेट्स काफ़ी सारी शॉप है, तो रियल शॉप पे जब आपको आना चाहते हो, जिस पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा, या वहाँ मैं खुद मिलता हूँ इंडिया मोटर के साथ, प्रॉपर नाम SKD बाइक वर्ल्ड। आओ मुद्दे पर आते हैं। एक R15 यहाँ पर है, अभी इसमें PPF वगैरह काम चल रहा है और भी काफ़ी सारे काम है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। एक रेड ब्यूटी यहाँ पर है जिसमें PPF डन हो चुकी है, अभी इसमें बाकी की एक्सेसरीज एड ऑन होना शुरू हो चुकी है, जैसे कि एक्सटेंडर लगा रखा है, साइड स्टैंड JKD बोलते हैं, CNC जिसमें कभी जंग नहीं लगता। इसके अलावा अगर R15 है और टैनर वाले मिरर नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। तो ये आ चुके हैं आपके टैनर वाले मिरर, जो कि लगेंगे इस जगह पर। और इनको टैनर वाले मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरीके के जो मिरर हैं ये ZX टैनर पर आते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा अंदर, ZX टैनर पर भी लगे हुए। ये हो गए इसका रेडिएटर ग्रिल, रेडिएटर की सेफ्टी के लिए। एंड यहाँ पर आ चुकी है अगले, ये अगले पेड़े हैं नहीं आ रही हो, तो फोर्क स्लाइडर है, तो ये फोर्क स्लाइडर इसमें लगाने वाले सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए। फोर्क प्रोटेक्शन इसमें लग चुकी है ऑलरेडी, सिमटेक का हैजार्ड, सिमटेक की LED बल्ब, लीवर गार्ड, चीज़ें इतनी है कि भाई मज़ा आ जाएगा देख के। और ये लीवर कोई नॉर्मल लीवर नहीं है, काफ़ी चमत्कारी है। इसमें आप देखो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से भी अगर कभी बाइक गिरता तो ये टूटते नहीं है, फोल्ड हो जाते हैं, यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो। कुछ लोगों की फिंगर लॉन्ग है, शॉर्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लीवर एक ही होगा। कलर इसमें हरे, नीले, पीले, गुलाबी, करते जो चाहो ले सकते हो। फॉग लाइट जिसे आसान भाषा में कहते हैं मिनी ड्राइव, तो ये छोटा पैक बड़ा धमाका है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फोकस है, दिखाएंगे यहाँ लगाएंगे छुपा के ताकि किसी को पता ना चले, ठीक है जी। ये फ्लैट इंडिकेटर प्लस वाटर प्रूफ इंडिकेटर, कितनी भी बरसात हो रही हो टेंशन ही नहीं, ब्राइटनेस इसकी ऐसी 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाती है। इसके अलावा ये की का कवर आ चुका है CNC मेटल में, मोबाइल होल्डर आ चुका है, बबल वाइजर लग चुका है, मास्टर सिलेंडर का है, बॉडी इंडिकेटर, चीज़ें बहुत सारी है। अभी इसकी बैकलाइट भी चेंज होनी है, तो अभी हमने जो है इसकी बैकलाइट ये वाली निकाल रखी है, तो चलो दिखाते हैं कौन सी लगाई है, दिखाना ज़रा पीछे से की बैकलाइट, चाबी ऑन पे इंडिकेटर देना एक बार, और इंडिकेटर पे वाह कमाल है। अभी रात में ही इसका फुल मज़ा आने वाला है, बाकी दिन में भी आइडिया ले सकते हो। इसके अलावा ग्रैब रेल्स हो गए, क्रैश गार्ड हो गया, तो भाई अभी चीज़ें बहुत सारी हैं, कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल। हेड वाली में एक्सेसरीज तो सारी लग चुकी हैं, अभी एग्जॉस्ट ट्राई करा दूँ, लेकिन साथ ही में यहाँ पर एक और आ चुकी है मैट ब्लैक में, इसमें PPF वगैरह काम चल रहा है। ब्लू वाली भी आप देख सकते हो आ चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी और एक R15 आ चुकी है, वो भी रेड कलर में, और वो है गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग देखते रहते हो, अभी फिलहाल एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ मैं आपको, तो एक करके ट्राई करते हैं। चलो जी, सबसे पहले लगा रहे हैं एग्रोपब्लिक का 6 कट विद बैंड पाइप के साथ, यानी कि फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है जी। आप लोग लगा लेना हेडफोन, अभी इन सबके ना DB कलर निकाल रखे हैं, तो DB कलर कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है, निकाल रखे हैं, तो इसीलिए जो है साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, बेस आएगा, बाकी जब आप चॉइस के साउंड को बंद कर सकते हो, ठीक है जी। और भी काफ़ी सारे साउंड आ रहे होंगे यहाँ पर आपको आसपास के, चले जी।
कौन सा पसंद आ रहा है? सिक्स कट हो गया, एससी प्रोडक्ट हो गया, अब लगाओ ये वाला है, करो बिग शॉट। अभी लगा दो टू ब्रदर का, ये है टू ब्रदर्स। इसमें डीपी कलर आता ही नहीं है, लो जी। एक R1M, एक R9। इसका और सुन लेते हैं क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा जो बेस्ट साउंड आता है, ना तेज ना ज़्यादा, तो ये दो एग्जॉस्ट है। चलो R9 हो गया है, टू ब्रदर हो गया, एकर पब्लिक हो गया, सिक्स कट हो गया, SC प्रोजेक्ट हो गया, और R1M। मैंने आपको बताया कि सबके डीपी कलर खोल रखे, इसका नहीं खोला, खुला पड़ा क्या? निकल जाएगा, प्लस से खींच लो। तो गाइस अभी जो है बैंड पाइप लगा हुआ है इसमें, बाकी सारी मॉडिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं। तो फिलहाल इसका जो है डीपी कलर खींच लें। चलो जी बाहर आ गया, हो गए एग्जॉस्ट। अब आपको दिखाता हूँ फाइनल मॉडिफिकेशन। तो गाइस अभी के सिनेरियो में यहाँ पर 3 R15 है, जो कि 2 रेड है, 1 ब्लू है। अब ब्लू वाली में अगर आप देखोगे तो उसमें ग्रैब रेल लग चुके हैं। ग्रैब रेल जो है ये काफ़ी ज़रूरी पार्ट है सीट हैंडल को सेव करने के लिए। कार्बन वाले इंडिकेटर और LED इंडिकेटर हैं, ये देख सकते हो। इसके अलावा फुल वाला इसमें लगा रखा है व्हील कवर, शार्प इन मडगार्ड, क्योंकि बरसातें आप लोगों को पता चल रही है तो मिट्टी यहाँ दबा के भर रही है। मैंने ये वाली बाइक भी इसलिए साफ़ नहीं करवाई ताकि आप लोगों को पता चल सके शार्प इन मडगार्ड क्यों ज़रूरी होता है। PPF लेमिनेशन इसमें हो चुकी है, बबल वाइजर लग चुका है, 10R वाले मिरर इसमें देख सकते हो आप लग चुके हैं, ठीक है जी। LED इंडिकेटर, विंग लाइट, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। और अभी जो ये वाली रेड वाली, इसमें पहले PPF उतारी है, फिर उसके बाद इसमें साफ़ करने के बाद दोबारा से PPF होगी और कुछ मॉडिफिकेशन भी होंगी, कुछ हो चुकी हैं। आते हैं मुद्दे पर, मुद्दा है अपना ये वाला, इसमें आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये काफ़ी अलग तैयार हुई है। सबसे पहले आपको देख सकते हो इसमें इंडिकेटर के साथ 10R वाले मिरर कुछ इस तरीके से, जिससे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। ZX 10R में लगे हुए आते हैं, उस तरीके से ये इसमें भी लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इसका। बबल वाइजर इसमें लग चुका है और फुल बाइक को किया गया है PPF लेमिनेशन, जो कि फिनिशिंग देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें ऐड ऑन की गई है, ठीक है जी। और गाइस सीट कवर विद कुशनिंग के साथ इसमें ऐड हुए हैं, क्रैश गार्ड लगा हुआ है, प्रॉपर क्रैश गार्ड, अंडर वैली से लेके आपका यहाँ तक का पूरा पार्ट सेफ। डबल स्लाइडर, ड्यूअल साइड में आपको जो है 4 स्लाइडर मिल जाते हैं दोनों तरफ से, 2 इस तरफ 2 उस तरफ। साइड स्टैंड जैकेट लगा रखी है CNC में, इसमें लोहे की भी आती है लेकिन लोहे की मत लगवाना क्योंकि जंग लग जाता है। ये जो है CNC में एलुमिनियम में कह सकते हो, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है जी। बॉडी इंडिकेटर इसमें लगे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फोल्डिंग वाले लीवर लगे हुए हैं, कभी गलती से बाइक गिरता तो ये फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर लीवर गार्ड्स आ चुके हैं लीवर की सेफ्टी के लिए, लुक को इनहांस करने के लिए, सेफ्टी काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ पर बोबो का मोबाइल होल्डर लगा हुआ है, की का कवर हमने लगा रखा है इसमें, और यहाँ पर जो बटन है ये बटन है फॉग लाइट का। देखो गाइस फॉग लाइट में चाबी ऑन करते ही आपको DRL मिलेगा रेड का, ये देख सकते हो आप, फिर इसमें आपको मिलेगा वाइट का, फिर मिलेगा येलो का, और इसी तरीके से फ्लैशिंग वगैरह भी मिल जाती है आपको, यहाँ भी देख सकते हो आप आइडिया के लिए, ठीक है जी। तो ये जो है फॉग लाइट का कुछ इस तरीके से इसमें ऑप्शन है। यहाँ पर ग्रैब रेल लगे हुए हैं, ग्रैब रेल भी बहुत ज़रूरी है जैसे मैंने आपको बताया था, तो ग्रैब रेल पूरे जो है पिलन राइडर के लिए पकड़ने के भी काम आते हैं, प्लस सेफ्टी के लिए भी है। बैक साइड में आप आओगे तो पूरी बैक लाइट आपको चेंज मिलेगी यहाँ पर, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप देखोगे इसमें इंडिकेटर का भी ऑप्शन है, इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, तो कलर एक बार इसका चेंज करते हैं। अब देखो गाइस इसमें कितने सारे कलर हैं, ये देखो
अब ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज करेगा, एक बार आपने इसमें टच करना है, दैट्स इट। अब इसमें इंडिकेटर पे भी वर्क करेगा, कलर भी काफ़ी सारे हैं, और इस कलर को चेंज करने के लिए ये छोटा सा धातु आपको टच करना है, दैट्स इट। ठीक है जी, R9 का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम वो आपको दिखा देते हैं, इसका लुक वगैरह कैसा है। और फुल सिस्टम लगाने से पहले गाइज आपको बता दूँ, जब भी आपने लगवाना तो फुल सिस्टम लगवाओ, ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना आए। अभी यहाँ पर काफ़ी सारा क्राउड है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ वीडियो बनाने के लिए मैंने बाहर कर दी हैं। और बाकी आप देख सकते हो, एग्जॉस्ट सिस्टम आ गया, मास्टर सिलेंडर कैप आ गई, रेयर वाली यहाँ पर आ गई, फ्रंट वाली, फोर प्रोटेक्शंस लगे हुए हैं, फोर स्लाइडर्स लगे हुए हैं, चीज़ें इतनी हैं, बताते बताते थक जाओगे भाई। सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए, लुक को एनहेंस करने के लिए रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है। साउंड आपने सुन लिया है, एक बार दोबारा साउंड सुना देता हूँ। अभी डिम कलर इसमें लग चुका है गाइस, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। शार्क पिन मडगार्ड लगाया है, ताकि मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए, देख सकते हो कितनी सारी मिट्टी इसमें लगी हुई है। और यहाँ पर लगाया हमने चेन कवर, इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये चेन कवर लगाया है मेटल वाला, बहुत ही हैवी, प्लास्टिक का आता है जो कंपनी देती है, बट हमने लगाया इसे मेटल का। ठीक है जी, ये ब्लू वाली आ गई, ये रेड वाली आ गई, इन सब की वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों को करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और जब भी आपको शॉप पर आना है तो शॉप हमारी मिलेगी इंडिया मोटर के साथ। बरसात थोड़ी सी हो रही है और चल ही रहा है खैर मौसम, तो बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात गाइस ये है कि काफ़ी सारी डुप्लीकेट शॉप खुल चुकी हैं, जब भी आपने आना है तो आप एक बार मुझे देख लेना, कॉल कर लेना, या फिर इंडिया मोटर के साथ हमारी शॉप पड़ती है SKT5 वाले। ये लगाने जा रहे हैं R15 पे, जिसमें ब्लू है, येलो जलाना बाबू जी, ये आ गया येलो इंडिकेटर पे, तो काफ़ी रेयर है। MT पे भी लगेगा और आपकी R15 पे भी लगेगा, बाकी इसे बाइक पे लगा के दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी आपने रेड ब्यूटी एक चेक कर लिया, एक और दिखाता हूँ जिसमें कुछ काम एक्स्ट्रा है, कुछ अलग है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो काम हमने किया है वो क्या है, ग्राफिक का। अब ग्राफिक में कुछ अलग डिफरेंट लुक आ जाता है, और इसमें कोई चलान भी नहीं होता, क्योंकि आपका जो बेस है वो रेड ही है। इस पर वाइट की जो डिज़ाइनिंग प्लस ये लोगो वगैरह यामा के और ये कुछ इस तरीके से किए, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं अपने आप में। फ्रंट से भी देख सकते हो, इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ये वाली जो स्ट्रिप्स आप देख रहे हो, ये अलग से एडिशनली हैं, तो ये ग्राफिक की कैटेगरी में आ गई अपनी। इस एंगल से भी आप चेक कर सकते हो, तो ये यामा आ गया, इसके अलावा यहाँ पर R15 लिख दिया है। इसी तरीके से इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन और भी हैं। अब आपको दिखाता हूँ टैंक पे से, तो ये टैंक पे से भी डिज़ाइनिंग देख सकते हो आप, प्रॉपर सारी हैंडमेड है। और ये अगर आपका कलर किसी कोई और है तो किसी और कलर पे भी आप ये कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये ब्रेम्बो की ब्रांडिंग हो चुकी है, और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, इसको हटा भी सकते हो। पेंट में ही रहता है कि आपने पेंट करा दिया तो फिर उसको हटाना ही पड़ता है, वो भी दूसरे पेंट करने के बाद। एक बार दिखाना इसकी चाबी, चाबी तो ये आगे इसकी की, जिसके ऊपर CNC का कवर लगा हुआ है, काफ़ी रोबोटिकल है। ये हमने कर दिया इसका इग्निशन ऑन, आपको दिखा देते हैं इसके इंडिकेटर। लो जी, तो ये इंडिकेटर्स के आ चुके हैं फ्लैट वाले, जो कंपनी देती है बाहियात से वो लटक जाते हैं, टूट जाते हैं, बट यहाँ पर फ्लैट है प्लस वाटरप्रूफ, और काफ़ी कम जगह घेरते हैं। यहाँ पर भैया ने फिल्म स्लाइडर्स लगवा रखे हैं, बाकी आप चाहो तो क्रैश गार्ड लगा सकते हो, जैसे कि आपने मेरे भी पहली वीडियो में देखा था। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आ जाती है, वो है इसके लीवर। तो लीवर में तो कुछ नया नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बिल्कुल नया है। ये देखो, इसके अंदर इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा, और हम इसके इंडिकेटर का जो है इस तरफ से भी दिखा देते हैं आपको। इसमें ब्लू का ऑप्शन है एंड येलो का है। अब ये ब्लू एंड येलो इसमें भी है, और सेम इसमें, तो एक कॉम्बिनेशन है। बाकी आप चाहो तो ओनली फॉर येलो भी ले सकते हो। और ये आएगा फील जब आप चला रहे होगे बाइक, तो कुछ इस तरीके से। बाकी बाहर ले जाके आपको जो है थोड़ा सा अंधेरे में भी दिखा देंगे कैसा लुक आता है इसका। सेम इस तरफ मास्टर सिलेंडर कैप लगी हुई है, इसके अलावा डिज़ाइनिंग आपने देख ही ली, क्रैब रेल्स इसमें लगे हुए हैं, ये क्रैब रेल्स आ चुके हैं, शार्क पिन मडगार्ड आ गया है, ठीक है, लीवर हो गए। अब इसकी जो नंबर प्लेट है वो यहाँ पर आती है, तो हमने नंबर प्लेट होल्डर प्रॉपर लगा के और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से सेटअप कर दिया है। यहाँ पर आ चुकी है फॉग लैंप्स, मिनी ड्राइव, इसका स्विच है इस जगह पर, ठीक है, वाइट एंड येलो। अब जैसे ही आप चाहो तो इसको चाबी ऑन पे ले सकते हो। ये रेड इसका जो है, इसमें एक फीचर एक्स्ट्रा है, वाइट येलो तो रहता ही है, आपका रेड आ गया, ठीक है जी, वाइट फिर येलो और वाइट प्लस में, एंड यहाँ पर फ्लैशिंग, क्योंकि फ्रंट से कुछ ये वाला लुक देगी। तो ये तो हो गई इसकी कुछ लुक जो आपने देखी। अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ला रहे हैं बाहर, और ये जो बाइक है ये भाई की, बता दो अब आ गए हो तो, कैसा लगा काम वगैरह? बहुत बढ़िया, काम ओके? काम ओके है सिकंदर भाई का। अभी इसमें नेक्स्ट टाइम जो भैया कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं इसमें एग्जॉस्ट का काम। अब बाइक आ रही है हमारी बाहर, हमारा कच्चाधारी बाइक बाहर ले आया। और गाइस बाहर निकालने का इसका मेरा एक ही मकसद है, एक तो आपको लीवर दिखा देता हूँ मैं, इसके अंदर लाइट है, दूसरा है इसमें जो फॉग लाइट लगाई है हमने मिनी ड्राइव, उसका सामने फोकस, ठीक है जी। तो आपको दिखा देते हैं हम, ये कुछ इस तरीके से इसमें इंडिकेटर का ऑप्शन होता है,
इस साइड से भी देख लो, इसमें ब्लू का भी ऑप्शन मिलेगा आपको, ये देखो। ठीक है जी, अब आते हैं मुद्दे पे। ये आ गया वाइट का, ये आ गया येलो का, अभी फोकस सेट करना बाकी है। ये आ गई इसकी फ्लैशिंग। तो ये जो आप देख रहे हो ना लाइट, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, हमें कहाँ रखना है। तो अभी इसको ये एडजस्ट करना है, बाकी देख लो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बन चुकी है बाइक। यहाँ पर वाइट ब्यूटी यहाँ पर तैयार हुई है, जिसमें सबसे पहले जो हमने काम किया वो किया है PPF का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके अलावा हम बैक साइड में आप देख सकते हो, इसमें कार्बन वाले KTM वाले इंडिकेटर बहुत ही डिसेंट लुक दे देते हैं, और प्लस ये LED प्लस वाटरप्रूफ। एंड यहाँ पर R9 का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, क्योंकि प्रॉपर फिटिंग के साथ है, सेंसर टू सेंसर फिट है गाइस ये। और यहाँ पर अपनी बाइक भी निकल रही है, चलो बाइक निकल लेते पहले। और यहाँ पर लगा रखे ग्रैबरेंस, ग्रैबरेंस भी बहुत ज़रूरी पार्ट रहता है ये। इसका जो यूज़ बेसिकली ये, जो काफ़ी सारे लोग हैं ना, ये वाले सीट हैंडल टूट जाते हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए, प्लस जो पीछे राइडर बैठेंगे या बैठेंगे उनको यहाँ पकड़ने के भी काम आता है, तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ रहती है अगर आप ये लगवाते हो तो। और इसके अलावा गाइज मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा रखा है हमने यहाँ पर डबल स्लाइडर के साथ, जो कि पूरी सेफ्टी देता है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ जाता है इसका। यहाँ पर 4 प्रोडक्शंस लगे हुए हैं, 4 स्लाइडर्स लगे हुए हैं सस्पेंशन की प्रोडक्शन के लिए, रेडिएटर ग्रिल, विंगलेट, एंड यहाँ पर इंडोनेशियन वाइजर, प्लस के ऊपर PPF की कोटिंग ताकि स्क्रैच ना लगे। एक लेयर उतार दो इसकी, अब इस पर लेयर उतार देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुना दूंगा R9 का कैसा आता है। और यहाँ पर जो की का कवर है ये भी देख सकते हो, इसमें एड ऑन है। तो भाई ये है कुछ इस तरीके का लुक, बाकी कलर कोई भी हो यार, आप लोगों को पता ही है काम कराने में कोई टेंशन है ही नहीं अपनी शॉप पर। ये देखो जी, तो ये है इसका लुक जी। ये देखो ये वाइजर यार प्रॉपर सुपर बाइक वाला लुक दे रहा है भाई। साउंड सुनाते हैं इसका एक बार, एंड अंदर की साइड में देखोगे तो शार्क पिन मडगार्ड हमने यहाँ पर लगा रखा है।